उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद सूबे में सुख पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष समेत 51 जिलों में नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, जबकि कुछ जिलों में उपचुनाव निपटने के साथ ही ऐलान होना है। इसी को लेकर अब खुद नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दौरा शुरू कर दिया है, जिसमें आज सुबह वे मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं संग सर्किट हाउस में मीटिंग की। वहीं उन्होंने इस उपचुनाव में अच्छे नतीजों का दावा किया। यहाँ की बैठक शहर पहुंचे अजय कुमार लल्लू का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रोड पर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही जमीन पर मजबूत संगठन दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन से आज हर वर्ग निराश है। हम उपचुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और नतीजे हमारे लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी पंचायती चुनाव में मजबूती से उम्मीदवार लड़ाने का ऐलान भी किया। अयोध्या पर कही ये बात। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मामला कोर्ट में है और उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसको सभी को स्वीकार करना होगा। राम मंदिर को निर्माण को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है कोर्ट के मामले? चूंकि मामला न्यायपालिका में है और संवैधानिक रूप से न्यायपालिका में अगर कोई भी चीज का बहस चल रहा हो तो उस पर टिप्पणी देना गलत होगा। अभी कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट में अभी सुनवाई और उसके फैसले को आरक्षित किया गया है, आने दीजिए, उसके बाद विचार किया जाएगा। देखिए, मैं गंगोह जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में। जिस तरह की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अराजकता का बोलबाला है, लूट हत्या डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, नौजवान रोजगार को लेकर चिंतित है, 45 वर्षों के रोजगार का रिकॉर्ड टूटा है, किसान हताश और निराश है पूरी तरह। आज किसानों को, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, धान क्रय केंद्रों का मामला हो, मुरादाबाद कभी एक अपनी ऐतिहासिक पहचान रखती थी, हैंडीक्राफ्ट मजदूर कहीं ना कहीं जो उद्योग था उसके, उस पूरे चीज़ों पर आज पूरी तरह इस भारतीय जनता पार्टी ने निराशा दिलाने का काम किया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का खोए हुए विश्वास को हासिल कर निश्चित उपचुनाव में हम एक अच्छी परिणाम देने की स्थिति में। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और गांव-गांव लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसमें क्या करने जा रही है? पंचायत चुनाव में हमारा बड़ा स्पष्ट निर्णय है। कांग्रेस पार्टी की अभी एक बैठक हुई थी, जिला पंचायतों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से पंचायती चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।